हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन इन विच 10 क्वेश्चन 5 मिनट्स हम लोग करते हैं। टारगेट हमारा है 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करने का। कुछ अनएथिकल, कुछ बहुत अलग सा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इसमें, जो कि मोस्ट प्रोबेबल रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक डिजीज़ होता है, जॉन डिजीज़, ठीक है, जॉन्स डिजीज़ है ना। तो ये जो जॉन डिजीज़ है ना, ये कौन सा डिजीज़ को बोलते हैं? यू नो जॉन डिजीज़ जो होता है ना, ये पैरा ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं, ठीक है, पैरा ट्यूबरकुलोसिस, पैरा ट्यूबरकुलोसिस। देखो पैरा ट्यूबरकुलोसिस का क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो कि मोस्टली सफ़र कौन करता है, तो एनिमल्स ऑफ एज ग्रुप, एनिमल्स ऑफ एज ग्रुप। आपको देखोगे कि 3 to 6 मंथ का एज ग्रुप का एनिमल सफ़र करता है बेसिकली। और इसमें क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ये भी देख लो, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, यू नो 12 मंथ से आप बोल सकते हो सेवरल ईयर्स आपको होता है। तो इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, जॉन डिजीज किसको बोलते हैं, पैरा ट्यूबरक्लोसिस को। फिर ना जैसे डिजीज़ होते हैं ना कैटल में, जैसे कैटल डिजीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिजीज़ होते हैं ना कैटल में, उसको आपको समझने की चीज़ है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है, वायरल डिजीज़ कौन सा है, मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन सा है, हाँ पैरासिटिक डिजीज़ क्या है, ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा तुमको कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है, फिर तुमको वायरल डिजीज़ कौन सा है, हाँ इसमें कन्फ्यूज़न होना बहुत ईजी चीज़ है। जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन सा है। फिर एक और होता है पैरासिटिक डिजीज़। इन चारों में आपको डिफरेंसेस पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग वायरल डिजीज़ की बात करेंगे, तो वायरल डिजीज़ में आ जाता है फूट एंड माउथ डिजीज़, एफएमडी जिसको बोलते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज़ आ जाता है। फिर आपको IBR आ जाता है, इन्फेक्शियस ब्रोंचाइटिस, बोवाइन राइनोट्रैक्सिस, और एक ब्लू टंग डिजीज़ आ जाता है, ठीक है। ये तीनों आपको वायरल में आ जाता है, इसको ध्यान में रखना, याद रखना। फिर आप जब आओगे इसमें बैक्टीरियल में, तो एंथ्रेक्स आ जाता है बैक्टीरियल में, मैस्टिसिस जो हो जाता है, मैस्टिसिस आपको हम लोग जो अभी पढ़े जॉनिस डिजीज़ ये आपको आ जाता है बैक्टीरियल में। फिर आपको बोवाइन टीवी आ जाता है इसमें, BQ ब्लैक वाटर्स आ जाता है तुमको, HS जो होता है वो आ जाता है एंथ्रेक्स हमने देख ही लिया। फिर अगर हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज़ में आए, तो इसमें मेटाबॉलिक में मिल्क फीवर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, मिल्क फीवर ये आ जाता है। फिर आपको ब्लोट देखोगे, फिर ठीक है कीटोसिस देखोगे, फिर आप देखोगे डायरिया, ठीक है, डायरिया भी आ जाता है इसमें, ठीक है। फिर आप पैरासिटिक डिजीज़ में देखोगे, तो पैरासिटिक में तो आपने सुना होगा ये जो बोवाइन बेबियोसिस एक डिजीज़ होता है, ये बहुत फेमस है, बोवाइन बेबियोसिस ये आ जाता है तुमको, थेलियोरोसिस आ जाता है, ये सब आपको बोवाइन डिजीज़ में आ जाता है। ये जो बोवाइन बेबियोसिस है ना, इसको और भी 2-3 नाम से जानते हैं, इसको भी आप देख लेना कि बोवाइन बेबियोसिस को रेड वाटर डिजीज़ भी बोलते हैं और एक टिक फीवर भी बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपको पूरे डिजीज़ का, ठीक है। इसका चारों का डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया कि डिफरेंसेस आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज़ आ जाता है, क्या नाम होता है उसको, इसको बोलते हैं टाइम फॉनी, ठीक है, ब्लैक पेन से करते हैं, टाइम फैनी को ऑल्सो क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग क्या होता है पता है, जैसे एक्सेस फर्मेंटेशन ऑफ फीड्स इन रूमेन, पेट में क्या गया, पेट में खाना गया और वो फर्मेंट ज़्यादा कर गया, उसके कारण ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो गया। ये कैटल्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इटियोलॉजी क्या है, तो ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस को इटियोलॉजी बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट्स आपको मेटाबॉलिज्म,
ये बेसिकली आपको कैटल में देखने को मिलता है, रूमेन वाला भी कैटल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ मिलते हैं। चलो बाय बाय।